स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा टेक वीडियो में। सो दोस्तों आज आप इस वीडियो में देखेंगे पेटीएम से लाइव टिकट बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे तत्काल बुकिंग, वो भी पेटीएम का यूज करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक हम केवल सुनते थे कि बेस्ट पेमेंट ऑप्शन तत्काल के टाइम पेटीएम है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है, पेटीएम है बेस्ट पेमेंट ऑप्शन। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो में देख लेंगे कि पेटीएम तत्काल के टाइम कैसा वर्क कर रहा है। और दोस्तों हम सबसे बिजी रूट की टिकट आज निकालेंगे, हम निकालेंगे बिहार के बलिया से गुजरात के सूरत के लिए, जो कि है सूरत छपरा ताप्ती गंगा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों हम भागलपुर सूरत की गाड़ी आज दोस्तों ट्राई करेंगे, जो कि दोस्तों एकदम बिजी रूट में आता है। अगर आप देखेंगे मिनटों में इसकी सारी टिकटें बुक हो जाती हैं। सो दोस्तों आज इस वीडियो में मुझे एक जन का मतलब टिकट निकालना है, तो मैं लाइव ट्राई करूँगा कि ये प्रोसेस बुक होता है या फिर नहीं बुक होता है। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप एकदम ध्यान से वीडियो देखिएगा, लाइव देख लीजिएगा कितने जल्दी ओटीपी हमको पेटीएम देता है। सो दोस्तों इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी कि नॉर्मल टाइम में हमको कितना जल्दी पेटीएम ओटीपी दे देता है और तत्काल के टाइम में कितना जल्दी पेटीएम हमको ओटीपी दे देता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो दोस्तों लास्ट तक आप देखें तो आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि तत्काल के टाइम कितना फायदेमंद है पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करना और कितना फायदेमंद नहीं है। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट तक दोस्तों आप देख लेंगे कि हमको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है। दोस्तों ये तो बुक होने के बाद ही पता चलेगा, अभी कुछ ही देर में 11 बजने वाले हैं और स्लीपर की हमको टिकट ट्राई करना है, स्लीपर या फिर दोस्तों सेकेंड चेयर की, दोनों में से जिसकी मिल जाए उसकी हम ट्राई करेंगे और लाइव बुकिंग करेंगे, और जो हमारा पेमेंट है फास्ट पेमेंट मेथड पेटीएम से यूज करेंगे। तो चलो दोस्तों हम फटाफट चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। सो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं 10:57 हो चुके हैं और हम फटाफट लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आपको ध्यान देना है, 2 मिनट पहले लॉगिन कर लेना है, जिससे दोस्तों आपको तत्काल टिकट निकालते समय किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। सो फटाफट दोस्तों अब यहाँ पे हम कैप्चा फिल कर रहे हैं, उसके बाद दोस्तों लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे 11 बजने का। तो देख सकते हैं दोस्तों कैप्चा थोड़ा रोंग हो गया था, इसलिए मैं वापस फिर से ट्राई कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों अभी 10:58:13 हो चुके हैं, 10:58 की सुई दोस्तों मैंने सेट की हुई है, जिससे मैं आपको लाइव दिखा सकूँ कि कितने से कितने होते। देख सकते हैं दोस्तों मुझे बलिया से सूरत के लिए टिकट चाहिए थे, हमने सर्च भी कर लिया है, और ताप्ती गंगा स्पेशल गाड़ी है जिसका है 09044। ये दोस्तों एकदम बिजी रूट पे आता है, बिजी से बिजी रूट पे आता है, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ एक टाइमर की अगर हम बात करें, 10:58 और 38 AM हो चुके हैं, कुछ ही देर में 11 बजने वाले हैं, और मैं ट्राई करूँगा 11:10 पर मैं टैप करूँगा, जिससे हमारी जो आईडी ऑटोमेटिक लॉग आउट हो रही उसकी प्रॉब्लम हमें देखने को ना मिले। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम कुछ देर वेट करेंगे। दोस्तों 11 बज चुके बट अभी मैंने टेप नहीं किया है, मैं 11:08 या 09 पे टेप करूँगा, जिससे लॉग आउट का प्रॉब्लम मुझे ना देखने को मिले। ये मैंने टेप किया सेकेंड चेयर में, ये सीट अवेलेबल का ऑप्शन आया, मैं आगे प्रोसेस किया, 45 मैंने पहले सेव करके रखा हुआ है, फटाफट करूँगा दोस्तों एकदम जल्दी जल्दी। मैं एड्रेस डालूँगा फटाफट, पिन कोड नंबर टाइप कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एकदम फटाफट हो रहा है दोस्तों, आप ऊपर टाइम भी देख सकते हैं, एड्रेस भी मैंने डाला। उसके बाद दोस्तों मैं इंश्योरेंस का टेप सिलेक्ट करूंगा, यस, उसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टेप कर दूंगा। अब यहाँ दोस्तों आप देखेंगे मैंने 11:30 पर टेप कर दिया, अभी 40 सेकेंड तक प्लीज वेट का ऑप्शन यहाँ पे घूमता ही रहेगा, क्योंकि रेलवे की तरफ से सेट किया गया है, या दोस्तों इसलिए सेट किया गया है ताकि कुछ टिकटें काउंटर से भी लोगों को मिल जाएगा, सारे ऑनलाइन बुक हो जाएंगी तो काउंटर वालों को नहीं बुक हो पाएगा, मिल पाएगा, इसलिए इतना टाइम यहाँ पे सेट किया गया। अभी आप देख सकते हैं 11:54:55 हो चुके हैं, अभी तक ये बुक टिकट का ही प्रेस वेट मतलब ऐसे दिखा रहा है हमको, 11:01 हो गए, अभी भी हमको बुक वेट बुक टिकट का ऑप्शन दिखा रहा है। सो फाइनली दोस्तों बुक टिकट हो गए, आईडी लॉग आउट नहीं हुई है, मैं फटाफट इसके आगे का प्रोसेस करूँगा। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं अभी एक कैप्चा वेरीफिकेशन आएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक हो जाता है, सबसे अच्छी बात इसमें ये है, ये हो गया, मैं नेक्स्ट किया, यस किया, उसके बाद दोस्तों फटाफट हम वॉलेट टेप करेंगे, पेटीएम यहाँ पे टेप करेंगे, उसके बाद दोस्तों नंबर आया, ये दोस्तों यहाँ पे मैं फटाफट लॉगिन करूँगा, ये मैं लॉगिन कर लिया हूँ, देख सकते हैं दोस्तों ऊपर टाइम 11:31 अभी दोस्तों यहाँ पे ओटीपी का देख लेते हैं कितने देर में ओटीपी हमको मिलता है, 6-7 सेकेंड हो गए दोस्तों, अभी तक ओटीपी नहीं मिला, फाइनली दोस्तों ओटीपी मिल गया, हम सबमिट किए, फिर वापस प्रोसेस टू पे दोस्तों हम टेप किए, शायद टिकट मिल जाएगा, 100% मिल जाना चाहिए टिकट दोस्तों,
लेकिन दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रिट्राई बुकिंग कंफर्मेशन का मैसेज आ रहा है, मतलब कि मैंने कंफर्म बट पे टैप किया था और टाइमिंग दोस्तों 1:55 भी हुए थे कि मतलब बैटिंग आ चुकी है, आप देख सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों पेटीएम ने अपना पूरा वर्क किया, मतलब पूरा उसने प्रोसेस किया, बट फिर भी इतनी बिजी रूट में ये थी, देख सकते हैं दोस्तों फाइनली हमारा टिकट नहीं बुक हो पाया है। अब अगर दोस्तों मैं वापस टैप करूँगा तत्काल वाले कोटा टैप करके किसी अवेलेबल है या नहीं है, तो देख सकते हैं रिग्रेट का ऑप्शन आ गया है। देख सकते हैं दोस्तों सेकेंड सीटिंग में, सेकेंड चेयर में, और स्लीपर चेक कर लेता हूँ, स्लीपर पर दोस्तों 103 नंबर बैटिंग आ गई। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इस रूट की, एकदम बिजी रूट मानी जाती है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। सो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।